हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। मैं आपके साथ आज एक चटपटी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है मसालेदार मिर्चे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन वाली मिर्च बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 100 ग्राम मिर्चे हैं, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। काटने से पहले मैंने इन मिर्चों को अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद पोंछ लिया। 30 ग्राम के करीब बेसन है, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, आधा छोटी चम्मच मैंने लिया है जीरा, नमक टेस्ट के हिसाब से मैंने आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा लिया है, और आधी छोटी चम्मच ली है खटाई, और दो तीन छोटी चम्मच हमें ज़रूरत होगी सरसों के तेल की। सबसे पहले ये जो मिर्चें हैं इन्हें हम काट लेंगे। इन मिर्चों को, ये डंठल टूटी हुई और धुल के अच्छी तरह पुछी हुई मिर्चें हैं, बस इन्हें हम इस तरीके से काट लेंगे। ये मैंने सभी मिर्चें काट ली हैं। अब हम गैस जलाएंगे और उस पर कढ़ाई रखेंगे। मैंने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई रखी है और अब हम इसमें दो तीन चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें ये जीरा और ये बेसन डाल देंगे और बेसन को अच्छी तरह भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और जैसे ही हमारा बेसन भुनता है, देखिए बेसन अच्छी तरह भून गया है, हम इसमें ये मिर्ची डाल देंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डालने से बेसन हमारा मिर्चों से अच्छी तरह चिपकेगा नहीं और वो अलग हो जाएगा। और इसी समय हम ये हल्दी डाल देंगे आधी चम्मच, सौंफ, धनिया और टेस्ट के हिसाब से नमक, और सबको अच्छी तरह एक बार मिला के हम इन मिर्चों को 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तीन मिनट बाद हम ये ढक्कन हटाएंगे और देखिए मिर्च अपने ही मॉइस्चराइज के साथ एकदम हमारी अच्छी तरह सीख चुकी हैं। और इसी समय हम ये खटाई डाल देंगे। आप इसमें पानी बिल्कुल ना डालें, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। झटपट बनने वाली मसालेदार मिर्चें बनकर तैयार हैं। आप इन्हें जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बेसन वाली मिर्चें बनके तैयार हैं। आप इसे फ्रीज में 15 से 20 दिन तक और बिना फ्रीज के भी 5-6 दिन तक रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।